दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 मुकाबला 6 अगस्त को खेला जाएगा। और दोस्तों इस मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। एंड गाइस मेरे हिसाब से वो खुशखबरी भारतीय टीम के लिए काफी अच्छा साबित हो सकती है और आप सब उस खुशखबरी को जानकर काफी ज्यादा खुश भी हो जाएंगे। दरअसल गाइस आपको बताना चाहूंगा कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अभी तक कुल 3 मुकाबले T20 सीरीज के लिए खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 मैच भारतीय टीम जीती है। श्रृंखला जीतने के लिए भारतीय टीम को 1 मैच और जीतना है। गाइस तीसरे मुकाबले में आपने देखा होगा कि ओपनिंग करने आए थे सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा, लेकिन गाइस रोहित शर्मा जो कि रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे उनके कंधे में चोट आने की वजह से, जिसके कारण दोस्तों भारतीय टीम के लिए काफी बुरी खबर निकलकर सामने आई थी। लेकिन गाइस तीसरे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की शानदार इनिंग के जरिए भारतीय टीम ने उस महामुकाबले को अपने नाम कर लिया था। लेकिन गाइस अब सभी के दर्शकों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार रोहित शर्मा अवेलेबल रहेंगे लास्ट 2 मैचों में या नहीं। तो गाइस इसी को लेकर मैं आपको बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। दरअसल गाइस आपको बता दूं कि क्रिकबज के अनुसार यह बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो दोनों लास्ट T20 मुकाबले होने जा रहे हैं उसमें अवेलेबल रहेंगे। तो गाइस बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ये किसी गुड न्यूज से कम नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा जो कि काफी अच्छे किस्म का बल्लेबाज है, कप्तान है, तो उनका रहना काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आप लोग कितना ज्यादा खुशी मिली आप सभी को ये खुशखबरी जानकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि भारतीय टीम यह श्रृंखला अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं। वैसे दोस्तों वेस्ट इंडीज की श्रृंखला को जीतने के लिए लास्ट के दोनों मैच अपने नाम करने होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो गाइस इस पर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।